हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ठीक हो बेटा? कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई करते रहो, अभी बहुत लंबा टाइम है, तो तब तक पढ़ाई करते रहो, कुछ चैप्टर कंप्लीट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। बेटा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम क्लास 12th की चैप्टर मिसलिनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस हमने कुछ दिनों में, कुछ वीडियो में कंप्लीट किया, आज हम उसकी मिसलिनियस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के पहले दो तीन क्वेश्चन जो है वो पीएमआई से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमने 11th में पढ़ा था। मैं बता देता हूं इसे कि हमने करा क्या था 11th में। पीएमआई वाले क्वेश्चनों में पहले हम लेट एन इक्वल्स टू क्या लेते थे, 1 लेते थे, फिर इसको हम ट्रू करते थे, है ना। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, एन इक्वल्स टू के लेते थे, फिर इसको हम एज्यूम करते थे ट्रू, और तीसरे में हम प्रूव करते थे के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और अगर ये भी ट्रू आ गया तो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू आ जाता था। पीएमआई बहुत डिटेल में मैंने आपको बता रखा था, नहीं तो मैं और वीडियो डालूंगा उसमें देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और ये हमें शो करना है। अब कैसे पता चलेगा, पीएमआई के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, वैसे मोस्टली पेपर में लिखा हुआ आता है विद द हेल्प ऑफ पीएमआई, पीएमआई से सॉल्व करो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन ना भी लिखा हुआ है तो एन वाले टर्म से हमें समझ में आ जाता है, और कुछ क्वेश्चन करोगे आप तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन जो दे रखा है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे बेटा, लेट एन इक्वल्स टू क्या सपोज करते थे, मैंने यहां पे मान लिया, लेट एन को मैंने मान लिया 1। अगर मैं एन को 1 मानता तो जहां जहां इस क्वेश्चन में, जहां जहां इस क्वेश्चन में एन है वहां हम 1 रख रहे हैं। तो ये आए बेटा ए आई प्लस बी ए, इसकी पावर आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू ए की पावर 1 आई प्लस 1 ए की पावर 1 माइनस 1 और बी ए। तो ये हो गया ए आई प्लस बी ए, यही हुआ बेटा इक्वल्स टू, यहां हुआ ए आई प्लस ये ए की पावर 1 माइनस 1 हुआ, ए की पावर 0, किसी की पावर 0 आंसर 1 होता है, तो ये भी बच गया हमारे पास बी ए। यानी हमारे पास एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों इक्वल आ गए। यहां तक क्लियर? तो हम बोल सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1, समझ में आ रहा है? तो मैंने यहां लिख दिया द रिजल्ट is true for n equals to 1, n equals to 1 के लिए रिजल्ट ट्रू आ गया। उसके बाद बताओ हम क्या करते थे, दूसरे स्टेप में k लेते थे, क्या करते थे हम लिखते थे लेट द रिजल्ट रिजल्ट बी ट्रू फॉर n equals to k, n equals to k के लिए भी हमने इसके मान क्या सपोज करते थे कि ये ट्रू होगा। तो जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे हम, k रख देंगे। तो ये आए बेटा ए आई प्लस बी ए, क्वेश्चन में देखो जरा ए आई प्लस बी ए की पावर एन था तो यहां आएगा के, यहां पर आएगा ए की के, यहां आई आ गया प्लस एन की जगह के आया, ए की पावर के माइनस वन आया और बी ए आ गया। यानी जहां जहां मेरे पास एन था वहां हमने क्या रख दिया, के रख दिया, इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते थे, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने, वी हैव टू प्रूव, मैंने प्रूव करना है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर, रिजल्ट इज ट्रू फॉर के प्लस 1। तो के प्लस 1 के लिए ट्रू करना है, यानी मेरे को ये प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए इसकी पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के की जगह के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1, यानी के लिख देता हूं, है ना, ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1 और बी ए। ये मेरे को क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है, याद होगा तो, ठीक है, के प्लस 1 मेरे को प्रूफ करना है। अब जो मैं प्रूफ करना है, ये मेरे को प्रूफ करना है, यहां पे टू प्रूफ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो हमने प्रूफ करना है। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड निकाल रहा हूं, यही करते थे हम पीएमआई में। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड अगर याद हो आपको, तो यहां आया ए आई प्लस बी ए और इसकी पावर के प्लस 1 है, के प्लस 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं ए आई प्लस बी ए इसकी पावर के लिख रहा हूं और इनटू मैं ए आई प्लस बी ए लिख रहा हूं। लिख सकते हैं हम, देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा के प्लस 1, सेपरेट कर दिया, इसकी पावर के लिख दिया इनटू इसकी पावर 1 लिख दिया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं, इसकी मेरे पास वैल्यू है इक्वेशन 1 में, दिख रहा है
इस वाले पूरे की देखो ए आई प्लस बी ए की पावर के, इसकी वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है पूरी, सबको दिख रहा होगा। तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के ए की पावर के माइनस वन और बी ए, ये वैल्यू पुट करी। यहां पर लिखा ए आई प्लस बी ए, ये लिखा मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो देखो ए की पावर के और ए क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस वन और आई का आई रहेगा, ये आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए की पावर के है ना, बी और ए, आई हट गया क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होता है, ए मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। प्लस अब मैं इसको इससे करूंगा तो देखो के का तो के आएगा, ए की पावर देखो यहां ए की पावर के माइनस वन और ए की पावर वन ये वाला, तो ए की पावर के हो जाएगा मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, ये कट गया तो ए की पावर के आ गया। इसको इससे करा, फिर बाकी बचा बी और ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ए से मल्टीप्लाई होके वही रह जाएगा। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो ये आया प्लस के है ना, ए की पावर के माइनस वन, बी और बी हो जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, क्योंकि ए स्क्वायर हमारे पास दे नहीं रखा है, तो अगर मैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालूंगा तो ए इंटू ए करना पड़ेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है जीरो जीरो वन जीरो, इसको मल्टीप्लाई करूंगा जीरो जीरो वन जीरो। ए स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ए को ए से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का कॉलम से यहां जीरो आया, रो का कॉलम से यहां जीरो आया, रो का कॉलम जीरो, मल्टीप्लाई आपको आता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो हो गई। अब ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्यों जीरो हो जाएगा बेटा, क्योंकि ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई को ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जो मेरे पास बचा ये बचा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ए की पावर के प्लस वन आई, यही हमारे पास प्लस। बेटा इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं, तो एक तो ए की पावर के कॉमन आ जाएगा दोनों में से, एक बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एक ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बच गया हमारे पास, यहां कुछ नहीं बचा था वन, और यहां बच गया के। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए की पावर के प्लस वन आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है बेटा, ये है आई प्लस, और यहां बच गया हमारे पास एक तो के प्लस वन ये वाला बच गया, एक ए की पावर के और बी ए बच गया। तो अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड आ चुकी, देखो ए की पावर के प्लस वन आई, के प्लस वन, ए की पावर के और बी ए, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आर एच एस आ गया, यहां तक क्लियर। तो हम लिखेंगे दियर फोर, लिख सकते हैं दियर फोर द रिजल्ट, ये पूरा लिखोगे दियर फोर बाई दी पी एम आई, बाई पी एम आई, पूरा यहां पर थोड़ा जगह नहीं है, बाई पी एम आई, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन आएगा, यहां पर क्वेश्चन आएगा ए आई प्लस बी ए की पावर एन, ये जो भी है हमारे पास, ठीक है, यहां तक क्लियर। होल्ड्स एच ओ एल डी एस है ना, होल्ड्स फोर ऑल नेचुरल नंबर, तो ये लाइन आप लिख सकते हो कि बाई पी एम आई, उसके बाद यह मैट्रिक्स आ गया कि ये जो मैट्रिक्स है होल्ड्स फोर और नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ पोस्ट डाउन द वीडियो एंड उसके बाद मैं सेकेंड क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ तो बच्चों उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है ये, और ये हमें प्रूव करना है, वही पीएमआई से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही स्टेप कर रहे हैं, लेट एन इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं हम, वन। अगर मैं एन वन लेता हूं तो यहां ए की पावर एन है, तो ए की पावर वन हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। यहां थ्री की पावर, देखो भाई यहां क्या हो जाएगा, थ्री की पावर एन माइनस वन है ना, तो थ्री की पावर वन माइनस वन, थ्री की पावर जीरो, तो वन हो जाएगा। मैं यहां डायरेक्ट वन लिख दूं आप लोगों के लिए, चलो थ्री की पावर जीरो लिख देता हूं, थ्री कोई भरोसा नहीं आपका, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी मेरे पास ए जो आ गया बेटा दैट इज वन 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 वन, ये आ गया मेरे पास। तो हम यहां उसके बाद वही लिखेंगे द रिजल्ट इज ट्रू फोर n equals to 1, n equals to 1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू। उसके बाद वही लेट रिजल्ट बी ट्रू फोर n equals to k, तो
तो अब जहां जहां एन है उसके बाद हम क्या रखते हैं के, सब में वही करना है, पहले वन रखना है, फिर के रखना है, फिर के प्लस वन ट्रू करना है, जो पीएमआई में करते थे। तो यहां आएगा ए की पावर के, यहां आएगा थ्री की पावर के माइनस वन, 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 यहां पर भी वही बेटा, थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन। ये आगे हमारे पास पहली इक्वेशन यहां तक हो चुका है। इसके बाद क्या करना होता है हमें, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, के प्लस वन इज ट्रू, यही प्रूव करना है। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, के प्लस वन ट्रू करना है, तो यहां पर आएगा बेटा के प्लस वन, और यहां क्या आ जाएगा, थ्री की पावर के हो जाएगा, के माइनस वन प्लस वन। देखो भाई, थ्री की पावर के प्लस वन और माइनस वन पहले से ही, तो थ्री की पावर के हो जाएगा, यहां पर भी थ्री की पावर के, 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 सेम नीचे बेटा यहां पे भी आप लिख सकते हो थ्री की पावर के, थ्री की पावर के और थ्री की पावर के। ये मैंने प्रूफ करना है, तो जो मैंने प्रूफ करना है मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और राइट हैंड निकाल रहा हूं, ठीक है। ये प्रूफ करना हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए की पावर के प्लस वन, यही है हमारे पास, इसको लिख सकता हूं ए की पावर के, है ना, और इनटू में ए, तो ए की पावर के की हमारे पास वैल्यू है, ये रहे ए की पावर के की वैल्यू, तो यहां पुट करी थ्री की पावर के माइनस वन, 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 माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन, सब सेम आएगा बेटा, ठीक है, इंटू में ए, तो ए हमारे पास क्या है, वन 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 वन। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना, बस मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेना, रो का कॉलम के साथ, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा थ्री की पावर क्या आ जाएगा बेटा, के माइनस वन, फिर इसको इससे करूंगा ये आएगा थ्री की पावर के माइनस वन, फिर इसको इससे करूंगा तो आएगा थ्री की पावर के माइनस वन, ये आएगा। यहां तक आ रहा समझ में, सेम यहां पर भी वही आएगा हमारे पास, लिखता नहीं ऐसे कर देता हूं, यहां पर भी वही आएगा, यहां पर सेम, यहां पर सेम, यहां पर सेम, यहां पर और यहां पर और यहां पर, देखो सेम आएगा ना, देखो इसको इससे करेंगे थ्री की पावर के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस वन, सब जगह ये आएगा। तुम ऐसे डैश 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 मत करना बेटा, आप लोग मत करना, ऐसे पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए एग्जामिनर को। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से कॉमन ले रहा हूं, तो थ्री की पावर के माइनस वन कॉमन आया, तो बच क्या गए यहां पर, वन प्लस वन प्लस वन बच जाएगा, यानी थ्री बच गया। थ्री कैसे आया, थ्री की पावर के प्लस के माइनस वन कॉमन लिया, यहां बचा वन, यहां बचा वन और यहां बचा वन, तो वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। तो यहां पर भी वही आएगा थ्री की पावर के माइनस वन और थ्री, यहां पर भी आएगा थ्री की पावर के माइनस वन और थ्री, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर और यहां पर भी क्या आएगा, सेम। अगले स्टेप में लास्ट स्टेप क्या होगा, अब इनकी पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो थ्री की पावर के माइनस वन और ये, देखो जी यहां करा देता हूं, थ्री की पावर के माइनस वन है और इंटू थ्री है, ऐड हो जाएगा थ्री की पावर के माइनस वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा यहां पर, थ्री की पावर के आ जाएगा, यहां थ्री की पावर के, यहां थ्री की पावर के, यहां पर थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, सेम थ्री की पावर के, थ्री की पावर के और थ्री की पावर के, तो ये इक्वल्स टू आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड की। आगे देखो LHS के लिया था हमने और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लास्ट में आप वही लिखोगे 10 बाई PMI, यहां लिख के दिखा देता हूं मैं आपको कि क्या लिखना हमने लास्ट का, आपको पता ही है कि 10 बाई PMI ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू, ये पूरा आएगा थ्री की पावर एन माइनस वन, थ्री की पावर, ये पूरा आएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, होल्ड फोर ऑल नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से आपने ये पीएमआई वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद आता है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारे पास क्या बोल रहा है, देखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक करना है। कुछ थोड़ा सा पीछे का याद दिलाता हूं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, है ना। तो वो कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कौन से मैट्रिक्स हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं,
इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए दे रखा है और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी दे रखा है। ये हमारे पास गिवन आ गया। गिवन क्यों आ गया? क्योंकि सिमेट्रिक दे रखे हैं। अब मेरे को प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मेरे को? कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, स्क्यूब के लिए ट्रांसपोज करना पड़ेगा और इसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ये सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये होता है ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है, दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये ए मान लिया मैंने पूरा नंबर, तो आया ए बी का ट्रांसपोज माइनस ये पूरा नंबर बी मान लिया, तो आया बी ए का ट्रांसपोज। यहां तक आ गया। अब ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी थी, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यही होता है, उल्टा हो जाता है ये। तो ये आएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस ये आएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया बेटा, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज बी है, और ए ट्रांसपोज की जगह ए, तो मैंने यहां लिखा बी ए माइनस ए बी। ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया प्लस का और ये आ जाएगा माइनस का। तो देखो मैंने इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने के नेगेटिव के बराबर आ गया। अगर किसी ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लिखेंगे देयरफोर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता चल गया आप लोगों को। मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो इसके नेगेटिव के बराबर आ गया। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, उसके बाद आता हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो इसके बाद। क्वेश्चन फिफ्थ में बोल रहा है सो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, बी के ऊपर डैश है यानी बी ट्रांसपोज की बात कर रहा है, ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू ए, ए के अकॉर्डिंग होगा। यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक आना चाहिए, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या आना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे पता चल गया कि ए के अकॉर्डिंग ये वाला सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो जरा करते हैं, हम पहली कंडीशन लेते हैं। हमने मान लिया लेट ए इज सिमेट्रिक। अगर ए को मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो तब क्या होगा? ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। अब जरा हम चेक करते हैं बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को एक मान रहा हूं और इस वाले को दूसरा मान रहा हूं, यानी प्रोडक्ट मान के चल रहा हूं कि बी ट्रांसपोज और ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट में ए ट्रांसपोज और बी ये उल्टे हो जाते हैं। तो ये आएगा, समझ में क्या बोल रहा हूं, ए बी का अगर ट्रांसपोज है तो ये उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो यहां पर आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज है ना, और बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, डैश लगा लो या टी लिख दो, बात एक ही है। तो बी का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज मैंने ऐसे रखा इक्वल टू, फिर ये दोबारा हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी का बी आएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी में बता रखा था बेटे, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज मैंने सेम रखा। अब बी ट्रांसपोज तो मैंने ऐसे रखा और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, तो यहां पर क्या आ गया? ए बी आ गया। तो मैंने इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और इसी के बराबर आ गया। देखो इसके ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया ना, सेम आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफोर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हमने क्या करा, समझ में आया कुछ? हमने ए का ट्रांसपोज ए माना, ए को सिमेट्रिक माना, तो ये पूरा भी क्या आ गया? सिमेट्रिक। यही क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि अगर ये ए के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए सिमेट्रिक आया तो ये भी क्या आ गया? सिमेट्रिक। अब हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक करके देखते हैं। हमने मान लिया लेट
ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए होगा। अब मैं इस पूरे का करके देखता हूं, किसका, ये जो पूछ रहा है बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं। तो फिर मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कैसे, इस वाले को मैं एक मान रहा हूं और इस वाले को एक मान रहा हूं, अलग अलग मान रहा हूं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, यही तो होगा, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। तो बी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, फिर इसको लिख सकता हूं बेटा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आ रहा समझ में कुछ कुछ, तो यह बी ट्रांसपोज ए बी इसका ट्रांसपोज इक्वल टू, बी का ट्रांसपोज तो मैंने ऐसे रखा, अब ए के ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू रख देते, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो यह है माइनस ए और बी, यानी बी ट्रांसपोज और ए बी का जो ट्रांसपोज आया वो आया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला और इसके नेगेटिव के बराबर आ गया, आगे ना इसके नेगेटिव के लिए, तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, कौन सा आ गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात आई समझ में, तो इसका मतलब ए के अकॉर्डिंग ये वाला चेंज हुआ, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये पूरा सिमेट्रिक हुआ, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरा क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद लिख दोगे हैंस, इसलिए बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये पूरा ए के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है। तो ये दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन, ये भी पीएमआई से है, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर इन 2x2 का या 3x3 का या 4x4 का मैट्रिक्स होगा, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास गिवन है, ए बी और बी ए आपस में इक्वल है। प्रूव दैट बाई इंडक्शन से हमने प्रूव करना है ए बी की पावर एन, बी की पावर एन ए, एक तो ये प्रूव करना है और ए के प्रूव करना है, फर्दर मतलब एक और प्रूव करना है। तो करते जरा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि गिवन क्या है मेरे पास, तो मेरे पास गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए, ये इंडक्शन से इक्वल प्रूव लाना है, ठीक है। इंडक्शन में वो पहले ही लेट एन इक्वल्स टू क्या लेते हैं, वन, तो ए बी हो गया, यहां पे बी की पावर वन हो गया और ये बी ए हो गया, एंड एन इक्वल टू वन इज ट्रू, ये ट्रू आ गया। आप बोलोगे यहां पर भाई बहुत सारे बच्चे मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर ए बी और बी ए मल्टीप्लाई में इक्वल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहां दे रखा है तो दे रखा, तो इसका मतलब होगा, ये बात आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या लेते हैं हम, लेट द रिजल्ट, बिल्कुल लाइन रट लो, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फोर एन इक्वल्स टू के, तो जहां जहां एन था वहां के रख देंगे, तो यहां पर आएगा ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के और ए, इक्वेशन नंबर वन आ गई। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाई बी, बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या आप k प्लस वन कर सकते हो, फिर k प्लस वन और इस पूरे की वैल्यू भी रख सकते हो, ऐसे करके भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा, a b की पावर k इंटू मैं b कर दिया ताकि k प्लस वन बन जाए, यहां पर b की पावर k a और b से मल्टीप्लाई, तो ये तो बेटा a b की पावर k प्लस वन हो जाएगा ये वाला, ये पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी, लेकिन यहां नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे इसको कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ए बी और बी ए कोई जरूरी नहीं बराबर आए। तो मैं क्या करूंगा, पहले b की पावर k लिखूंगा और इसको पलट के लिखूंगा बी ए, और रीजन दूंगा मैंने क्यों लिख दिया, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास गिवन है, इसलिए ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। अगर गिवन नहीं होता तो ए बी को मैं बी ए नहीं लिख सकता, क्योंकि मैट्रिक्स में ये बराबर नहीं होता। तो ये करने के बाद जो मेरे पास बचा वो मेरे पास आया ए बी की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू, अब ऐड हो जाएगा क्योंकि सामने सामने आ गया, तो आएगा बी की पावर के प्लस वन और ए, ये आ गया हमारे पास के प्लस वन, देयरफॉर के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू,
के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है जी, यही मेरे को प्रूव करना था। यहां तक आ गई बात समझ में आप लोगों को? इसके बाद वही लिखोगे 10 PMI और ये वाला होल्ड फुल और नेचुरल नंबर जो मैंने आपको बता रखा, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, पहला पार्ट कैसे होगा, जहां जाए एन तो वहां के प्लस वन आ गया, के प्लस वन, एन की जगह के प्लस वन। दूसरा पार्ट मेरे को ये प्रूव करना है ए बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन, ये भी पीएमआई से फर्दर आगे लिखा, फर्दर प्रूव दिस। ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है जी। अब मैं वही करूंगा, एन इक्वल्स टू वन रखा मैंने, तो यहां पर आया ए बी इक्वल्स टू ए बी, और ए बी और ए बी तो आपस में इक्वल ही होगा, तो एन इक्वल्स टू वन इज क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है, लिख लोगे आप। लेट आगे वही रिजल्ट इज ट्रू फोर एन इक्वल्स टू के, अब जहां जहां एन वहां क्या रख दूंगा, के रख दूंगा, तो यहां पर आया ए बी की पावर के इक्वल टू ए की पावर के और बी की पावर के। यहां तक क्लियर? दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई कर रहा था कि ए बी की पावर के की जगह क्या आ जाएगा, के प्लस वन आ जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग बाय ए बी। अगर मैं ए बी से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, तो यहां पर आया ए बी की पावर के, देखो लेफ्ट में आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो लेफ्ट में के प्लस वन बना दिया, ए बी तो मैंने ए बी से कर दिया, ए बी की पावर के प्लस वन, या सिर्फ बी की पावर के था तो बी से कर दिया ताकि बी की पावर के प्लस वन, लेफ्ट में ऐसे सोचना है, राइट में अपने आप आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा ए बी से, अब राइट में भी करना पड़ेगा, ए की पावर के बी की पावर के इंटू में ए बी, यहां तो ए बी की पावर के प्लस वन हो गया, लेफ्ट तो हो गया। अब राइट में क्या होगा कि राइट में ऐसे मत कर देना आप कि इसको के प्लस वन कर दो, इसको के प्लस वन कर दो, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए, यहां ए तो यहां ए तब ऐड हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ए की पावर के बी की पावर के, और ए बी को मैंने बी ए लिख दिया, कहां से लिख दिया मैंने, गिवन हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास गिवन से मैंने लिख दिया, समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट तो मैंने सेम रखा ए बी की पावर के प्लस वन, यहां पर ए की पावर के, अब ये ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो ये आएगा बी की पावर के प्लस वन और ए आ गया। यहां तक आया, अभी भी एक लॉजिक है कि ए की पावर के प्लस वन नहीं हो पाएगा, इतनी दूर है। तो देखो इक्वेशन वन में ए बी की पावर के प्लस वन को मैं बी की पावर के प्लस वन ए लिख सकता हूं, तो मैंने यहां ए बी की पावर के प्लस वन सेम रखा, ए की पावर के सेम रखा, और इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको देखो b की पावर k प्लस वन ए को मैं a b की पावर k प्लस वन लिख सकता हूं, कहां से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से मैंने इसकी वैल्यू लिखी, ठीक है आप लोगों को। तो यहां पर आया ए बी की पावर k प्लस वन इक्वल टू, अब ये ऐड हो जाएंगे, सामने सामने आ चुके हैं, तो a की पावर k प्लस वन और b की पावर k प्लस वन, आगे वही लाइन आ जाएगी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आई थिंक आप लोग कर लोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसकी मिसलेनियस करो, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, या हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, जैसे भी आप लोग कमेंट्स में करोगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, और मेरा चैनल देखते रहे और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, थैंक यू वेरी मच।